नमस्कार दर्शकों जय श्री राम आज हम देखने जा रहे हैं ये वीडियो जिसमें नीम करोड़ी बाबा को दिखा भूत तो देखिए फिर उन्होंने क्या किया ऐसे कई घटनाओं में हमको दिखाई दिए हैं ऐसा देखा है वो निर्भय होकर कोई भय नहीं लगा ऐसा देखा जैसे एक बार तीन बजे हम शौच के लिए कमंडल उठाया तो जंगल में जाना होता था कोई शौचालय की ऐसा वो तो अभी कुछ वर्षों से शौचालय का ऐसी व्यवस्थाएं बनी नहीं तो ग्रामीण आदि देशों में कहीं शौचालय पूरे नगर में नहीं होती थी वो तो अभी व्यवस्थाएं हुई तो कमंडल लेकर शौच के लिए निकले तो देखा कि गांव के बाहर एक नौ वधु लोटा लिए शौच के लिए जा रहे तो हम खड़े हो गए कि ये जिस दिशा को जा उससे विपरीत दिशा में हम वो खड़ी हो गए फिर विचार किया कि हमें लगता है ये यही शौच में बैठना चाहती तो हमने रफ्तार बढ़ाई जब रफ्तार बढ़ाई तो देखा कुछ दूर आगे जा रहे तो लगा कि ये तो पीछे खड़ी थी आगे हम हमारा ये था कि हम कभी डरने वाली स्थिति में अपने आ, को नहीं खड़ा करते निकल गई होगी तो तो दूसरे रास्ते में खड़ी अब हमें पक्का विश्वास हो गया <laughs> कि ये कोई स्त्री नहीं है कोई पतित आत्मा है जो इस रूप में है जोर से भगवान नाम उच्चारण खत्म ना कोई भय और ना वो हमें दोबारा दिखाई दी एक बार ऐसा हुआ कि सेमसी में जहां गुरु आश्रम है तो एक खंडेर था और हमें खंडेर बहुत प्रिय है शुरू से ऐसा मतलब स्थान पुराना वृक्ष ऐसी कोई कुटिया ऐसे पहले ऐसे डर लग रहे। में ऐसे रहना अच्छा लगता था कि जहां जिसका कोई सिकाल तो रात्रि में उस खंडेर में जाकर के लेते वहां के लोगों ने रोका आश्रम वाले लोगों ने जाइए

तो ऐसे देखा तो मुझे स्पर्श जैसा भी हुआ कि जैसे कोई कड़ा हाथों में एकदम ऐसा कैसे हो सकता है जब हम मंत्र जप रहे हैं तो कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अशु के तो कोई अशुभ आत्मा तो बाहर निकले नहीं मुझे लगा कि मेरी मानसिक बिगड़ेल बुद्धि हमको भयभीत करना चाहती है नहीं नहीं मैं नहीं मान एक मन ने कहा यहां से हटके वहां से हमको जिद्दी स्वभाव था नहीं देखू कैसा क्या फिर वही जाके सोए थोड़ी ही देर में फिर स्पष्ट अनुभव हुआ तब तो हम बैठ गए तत्काल मंत्र जबते हुए फिर हम यहां ठीक लगे क्योंकि बार बार विक्षेप डाले मंदिर में गए उन लोगों से कहा बोले आप जानते कि वहां है आप क्यों गए ऐसा तो हमने जीवन में देखा है कि अगर कहीं ऐसी प्रेत आत्मा आदि हो वो आपको परेशान नहीं कर सकती आपको जैसे गोकर्ण के सामने धुंधकारी प्रकट हुआ कभी वो अग्नि बनता कभी वो ये बनता कभी भेड़ बनता कभी सिंह समझ गए अधोगति को प्राप्त लेकिन कोई ऐसा नहीं कि उनका अनिष्ट करे और रो के कह रहा था कि मेरा उद्धार कर दो मेरा कल्याण कर दो तो ये प्रेत आत्माएं भगवत धाम वासी भगवान नाम जापक वैष्णव के प्रति अपना कल्याण करने के लिए आती है किसी को भी कभी घबराना नहीं चाहिए यदि कभी ऐसी परिस्थिति हो तो उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने लगना विश्वास करना तुम्हें छू नहीं सकता कोई ये हम और हम इसलिए सत्ता नहीं मानते जैसे कभी कोई प्रश्न करता है तो कह देते मेरे भगवान ही भूत रूप में आए ये एक स्थिति है एक भावना की स्थिति जो सत्य भावना है वासुदेवा सरम ही तो सब प्रभु ही है और सच्ची बात सब प्रभु ही है लेकिन ये जो अगर हम उस स्थिति को नहीं पहुंचे तो पक्का समझ लो कि अगर प्रेत योनि का कोई भी जीव तुम्हारे सामने आता है और तुम भगवान नाम जप कर रहे हो तो तुम्हें कभी परास्त नहीं कर सकता श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जय भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो और अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करें धन्यवाद